अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है सॉल्यूशंस और कोलॉइड्स में लेक्चर 22 को, और इसमें डिस्कस करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स क्या होती हैं? आपने बॉइलिंग पॉइंट का नाम सुना होगा, मेल्टिंग पॉइंट का, एवेपोरेशन का, तो ये सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब कोलिगेटिव का जो लफ्ज़ है ये असल में निकला हुआ है एक ग्रीक वर्ड कोलिगेटस से, और कोलिगेटस का मतलब होता है बाइंड टुगेदर, इकट्ठा जोड़ना। अब हम आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस के जो डिपेंड करते हैं, जो इनसार करते हैं तादाद पर सॉल्यूट पार्टिकल के, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन का जो डिपेंड करता हो सॉल्यूट पार्टिकल यानी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पर सॉल्यूशन में। यानी हमारे पास अगर एक सॉल्यूशन किसी बर्तन के अंदर मौजूद हो और वो सॉल्यूशन लाजमी बात है या तो एटम्स से बना हुआ होगा या वो आयंस से बना हुआ होगा या मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी बॉइलिंग पॉइंट या उसका मेल्टिंग पॉइंट वो उसके आयंस और मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता हो एंड डू नॉट डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स की किस्म पर डिपेंड नहीं करता हो, यानी इस पर, यानी इस बर्तन में जो सॉल्यूशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या एवेपोरेशन, ठीक, ये इस पर डिपेंड ना करता हो कि इसमें कौन सी चीज़ बंद है, बल्कि इस पर डिपेंड करता हो कि इसकी तादाद कितनी है। आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तब इन खसूसियात को क्या कहेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये वो खसूसियात है जो नंबर ऑफ एटम्स या इन मॉलिक्यूल पे डिपेंड करते हैं, इनकी किस्म पर डिपेंड नहीं करते, ठीक। आगे चलते हैं जी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस आर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन की ये हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, कम होना वेपर प्रेशर का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना बॉइलिंग पॉइंट का, जिसे एबोलियोस्कोपी भी कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, ठीक, जमना, और डिप्रेशन का मतलब है कम होना फ्रीजिंग पॉइंट का, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं, इंक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर, बढ़ जाना ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक का लफ्ज स्टूडेंट्स निकला है ओस होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी भी मेम्ब्रेन से किसी मॉलिक्यूल्स वगैरह का गुजरना। कंडीशंस फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर, और कंडीशंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ये होते हैं, नंबर वन, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। सबसे पहली बात ये है कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? उस सॉल्यूशन को बहुत पतला होना चाहिए, उसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्यूट बहुत कम हो। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसेंट्रेशन कहते हैं स्टूडेंट्स मिकदार को, सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की मिकदार शुड बी लेस और इक्वल टू 0.2 मोलर। सॉल्यूशन की मिकदार होनी चाहिए 0.2 मोलर के आसपास। अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये मोलर समझ नहीं आ रहा तो आपने इसी चैप्टर के अंदर मोलरिटी के टॉपिक को चेक करना है, ठीक। सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और सॉल्यूट को नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि इसमें से बिजली गुजर सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस में कन्वर्ट ना हो जाए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसमें हमने पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। पहले पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, और उसके बाद हमने इसमें पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को, फिर तीसरे नंबर पर इसमें हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को। तो नंबर वाइज हमने इसको भी डिस्कस करना है। तो इस टॉपिक, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। इफ़ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज़ एडिड, अगर एक नॉन वोलेटाइल
नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो आम दर्जा हरारत पर उड़ता ना हो उसे नॉन वोलेटाइल कहते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस की शिकल इख्तियार न करे सॉल्यूशन में। तो जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को एडिड इसको डाला जाए टू अ सॉल्वेंट किसी सॉल्वेंट के अंदर, यानी अगर हम एक सॉल्वेंट ले लें किसी बर्तन के अंदर, ठीक, और उस सॉल्वेंट के अंदर अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसके अंदर हम ऐड कर दें, ठीक, उसका सॉल्यूशन बना दें, देन इवेपोरेटिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो उड़ने की सलाहियत, एवेपोरेटिंग टेंडेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स उड़ने की सलाहियत, मालिकियत। तो सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स के उड़ने की सलाहियत फ्रॉम द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के सरफेस से डिक्रीजेस, कम हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब सिर्फ सॉल्वेंट इस बर्तन में मौजूद था तो इसके एवेपोरेट होने की सलाहियत बहुत ज़्यादा तेज थी, लेकिन जब हमने इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो इसके एवेपोरेट होने की सलाहियत कम हो गई। दस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, पस वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाता है। दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे कहते हैं कम होना वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्वेंट दैट हैज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, सॉरी स्टूडेंट्स ये सॉल्यूट लव्ज है, ठीक, ये लव्ज है सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो रखता हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो उलट होता है टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के सॉल्यूशन में। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बर्तन के अंदर कोई सॉल्यूशन मौजूद हो, ठीक, किसी बर्तन में कोई सॉल्यूशन मौजूद हो और उसके अंदर नॉन इलेक्ट्रोल मौजूद हो, ठीक, तो वेपर प्रेशर वोलेटाइल सॉल्वेंट का, यानी सॉल्वेंट खुद तो उड़ने वाला हो, ठीक, आम दर्जा पे उड़ने वाला हो, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद के, सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद के, यानी अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल्स की तादाद बढ़ाओगे तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अगर आप सॉल्यूट की तादाद को कम कर दोगे तो वेपर प्रेशर इसका बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं उल्टा, ठीक। अब वेपर प्रेशर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स के तादाद के, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स की अगर तादाद आप बढ़ाएंगे नॉन वोलेटाइल वाले की तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का कम हो जाता है बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बढ़ाने से नम तादाद सॉल्यूट पार्टिकल्स के, एंड वाइस वर्सा, और इसका उलट, यानी अगर आप क्या करेंगे इस उलट इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इंक्रीज हो जाएगा बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, अगर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अब हम डिस्कस करते हैं रॉल्स लॉ की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रॉल्स लॉ की स्टूडेंट्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर भी, ये लेक्चर भी मौजूद है इसी चैप्टर में, आप पीछे जाकर रॉल्स लॉ पार्ट वन और पार्ट टू में इसको देख सकते हैं। तो रॉल्स लॉ की डिफिनेशन में तीन तरह से की थी, उसमें एक डिफिनेशन हमने किया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के रेफरेंस से। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस डेल्टा पी ओवर पी नॉट को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, यानी मोल का हिस्सा, ठीक, सॉल्यूट के मोल का हिस्सा। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ अगर किसी बर्तन में सॉल्यूशन मौजूद है, अब इस, और ये सॉल्यूशन वोलेटाइल भी है, तो इस सॉल्यूशन का लाजमी बात है कोई वेपर प्रेशर भी होगा। अब स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहा है कि अगर इसमें सॉल्यूट का जो मोल के जो मोल्स की तादाद है अगर ये ज़्यादा हो गया हो जाएगा, अगर सॉल्यूट के मोल ज़्यादा होंगे सॉल्यूशन में तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
इज इक्वल, वो बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के। अगर आप सॉल्यूट के मोल की तादाद बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है सॉल्यूट का, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, ठीक। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी सॉल्यूट के कितने मोल है इसी पे इसका मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है। बाकी ये नीचे N1 प्लस N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को जाहिर करता है, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का वो बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, इसको यहाँ मोल फ्रैक्शन की जगह लगा सकते हैं। तो डेल्टा पी और पी नॉट ये अपनी जगह आ जाएगा, इक्वल का निशान अपनी जगह, एक्स टू की जगह हम इसकी वैल्यूज़ को लगा देंगे और ये है N2 ओवर N1 प्लस N2, ठीक। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दी। सो फॉर अ डायल्यूट सॉल्यूशन, तो पतले सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, N2 कैन बी इग्नोर्ड, हम क्या करते हैं सॉल्यूट की मिकदार को इग्नोर करते हैं, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि उसमें सॉल्यूट कम होगा, तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं सॉल्यूट को, यानी N2 का मतलब है सॉल्यूट उसको। फॉर डायल्यूट सोल्यूशन N2 कैन बी इग्नोर्ड, N2 को हम क्या करते हैं इसको नज़रअंदाज कर देते हैं इन डिनोमिनेटर, जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर था इसे हम नज़रअंदाज करते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी, ठीक। डेल्टा पी और पी नॉट, ये वाला डेल्टा पी और पी नॉट इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ जाएगा N2 और नीचे आ जाएगा N1, इसको हमने क्योंकि इग्नोर कर दिया है, ठीक, बहुत कम होने की वजह से। तो अब हमारे पास रिलेशन ये आया है, ठीक है, एज वी नो, और हम जानते हैं कि W1 ओवर M1 और सॉरी N1 बराबर होता है W1 ओवर M1 के और N2 बराबर होता है W2 ओवर M2 के। अब ये क्या चीज़ स्टूडेंट्स, असल में जो नंबर ऑफ मोल्स है ये गिवन, ये जो है ये W2 यानी ये वेट है सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। आप जानते हैं स्टूडेंट्स मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल के फार्मूले में हम क्या लेते हैं, ऊपर लेते हैं गिवन वेट और नीचे लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट या जो भी मॉलिक्यूलर मास या जो भी है। तो ये इसका गिवन वेट और ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला है ये, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 होगा तो वो W1 M1 के बराबर, नंबर ऑफ मोल अगर 2 का होगा तो W2 और M2 के बराबर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है N1 की इसे हमने उठाकर यहाँ लगा देना है, तो ये वैल्यू हमारे पास ये जो डेल्टा पी ओवर पी ये हो जाएगा N2 की जगह ये आ जाएगा W1 ओवर M1 और उसके बाद स्टूडेंट्स ये N2 की जगह हम इस वैल्यू को अगर लगा दें, ठीक, तो इस वैल्यू को लगाने के बाद यानी ये W1 M1 यहाँ आया और उसके बाद दूसरी वैल्यू जो हमारे पास है क्योंकि N2 ऊपर है तो ये हमने दोनों वैल्यूज ऊपर लगा दिए और ये W2 ओवर M2 ये आ जाएगा नीचे, ठीक, ये इस तरह से ये कर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए, ठीक, तो ये बन जाएगा यानी ऊपर W1 ओवर M1 आ जाएगा, फिर ये ऊपर जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर तो ये आ जाएगा W2, ठीक है, ये M2 ओवर W2 हो जाएगा और ये जो है इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यूज़, ठीक हो गए स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज़ इसमें आप लोग करेक्ट कर दें ये स्टूडेंट्स, ठीक, मैं थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, ऊपर चूँकि N2 था, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो N2 वाली वैल्यू है सही, ये जो N2 की ये N2 है ना, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो ये असल में W2 और M2 होगा और ये 1 1 आएगी, ठीक। इसी तरीके स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक, ये 2, ठीक, और ये भी 2 और ये 1 और ये भी 1 होगा, M1 W1 और W2 और M2 ये हमारे पास
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास वैल्यूज आए हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना सॉल्यूट वेपोराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका वेट हम निकाल सकते हैं। तो एम टू को अगर हम इस तरफ लें स्टूडेंट्स, इक्वल का निशान ये वाला, एम टू को मैं इस तरफ ले आता हूँ, ये बटे से ऊपर आ जाएगा और ये डब्ल्यू टू ये अपनी जगह मौजूद रहेगा, और उसके बाद ये M1 स्टूडेंट्स J वाला, ठीक, ये M1 अपनी जगह मौजूद रहेगा, सही। और उसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो W1 है ये नीचे रहेगा अपनी जगह पर मौजूद, ठीक। और ये जो W डेल्टा P है, इसे जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, यानी ये जो डेल्टा P है ये नीचे चला जाएगा बटे के अंदर, और ये जो P नॉट है ये ऊपर रह जाएगा, ठीक। तो ये स्टूडेंट्स ये सिर्फ इसमें कोई ख़ास हमने चेंजिंग नहीं की, सिर्फ मैम टू को हमने बाहर निकाला है और बाकी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले करके गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स आखिर में जो रिलेशन आया है ये हमें सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास बता रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसे हमने एम टू से जाहिर किया, कैन बी कैलकुलेटेड, इसे हम मालूम कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड, इसे हम बाय इक्वेशन निकाला है, ठीक, ये वाला, इससे हम सॉल्यूट का मास मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है, कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स इसके इसे हम पार्ट वन ले लेते हैं इसका, स्टूडेंट्स इसका बाकी हिस्सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे ये इसका पार्ट वन है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसे एक लेक्चर में ख़त्म नहीं किया जा सकता है।